गुड डे फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमरदीप दास और हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम दारू शराब अल्कोहल से होने वाली एक खतरनाक बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आप अल्कोहल लेते हैं, दारू लेते हैं, शराब लेते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये बीमारी आपको भी हो सकती है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सिरोसिस ऑफ लिवर के बारे में। सिरोसिस ऑफ लिवर क्या है? ये सिरोसिस ऑफ लिवर ये लीवर में होने वाली बीमारी है और इसे लेट स्टेज ऑफ फाइब्रोसिस भी कहते हैं। हर बार जब आपका लीवर जो है डैमेज होता है, वो अपने आप को रिपेयर कर लेता है, पर उस रिपेयर की प्रक्रिया में एक स्कार फॉर्मेशन हो जाती है, और जब ये रिपीटेड स्कार फॉर्मेशन होती है तो वो सिरोसिस का रूप ले लेती है। चलिए जानेंगे कि ये कितना कॉमन है। ये हर 200 व्यक्ति में एक व्यक्ति में पाए जाते हैं, और जिनकी एज ग्रुप 45 से 55 है उनमें ये बहुत कॉमन पाए जाते हैं। चलिए अब हम जान लेते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या क्या है। तो जब लीवर बहुत ज्यादा ही डैमेज हो चुका होता है, पर फिर भी इसके कुछ अर्ली सिम्टम्स हैं और कुछ लेट सिम्टम्स हैं। तो फर्स्ट अर्ली सिम्टम्स को हम डिस्क्राइब करते हैं। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लग रही है, वीकनेस और टायर्डनेस लगा रहता है, फीवर है, नॉशिया है और वेट लॉस हो रहा है। अब इसके लेट सिम्टम्स, जो कि जब लीवर फंक्शन वर्स्ट हो जाते हैं तब क्या होते हैं, तो इजी ब्रूजिंग एंड ब्लीडिंग हो सकती है, जॉन्डिस हो सकती है, इची स्किन है जो नहीं जा रही किसी भी लोकल मेडिसिन से, इडिमा हो सकता है, एसआईटिस हो सकती है, सूजन हो सकती है, ब्राउनिश और ऑरेंज कलर यूरिन हो सकता है, लाइट कलर स्टूल होती है, कंफ्यूजन, डिफिकल्ट थिंकिंग, मेमोरी लॉस, पर्सनालिटी चेंजेस ये भी होते हैं, ब्लड इन योर स्टूल भी आ सकता है, रेडनेस इन द पाम ऑफ योर हैंड, लालपन, एक लालिमा आ जाती है, और उसके बाद होता है टेलंग इक्टेसिस, जो कि स्पाइडर लाइक ब्लड वेसल्स दैट सराउंड द स्मॉल रेड स्पॉट ऑन योर स्किन, ऐसा भी होता है। अच्छा, पुरुषों में और महिलाओं में कुछ अलग अलग सिम्टम्स पाए जाते हैं। तो पुरुषों में जो पाए जाते हैं वो है कि लॉस ऑफ सेक्सुअल ड्राइव, पुरुषों के ब्रेस्ट एनलार्ज हो जाते हैं जिनको कहते हैं गायनोकोमास्टिया, और टेस्टिकल्स उनके श्रंक हो जाते हैं यानी सूखने लगते हैं। महिलाओं में क्या हो सकता है? महिलाओं में अर्ली मेनोपॉज हो सकता है, प्री मैच्योर मेनोपॉज की संभावना रहती है। अच्छा, नेक्स्ट हम जानेंगे कि इसके कॉजेस क्या क्या है। तो ऐसे इस बीमारी के बहुत सारे कॉजेस हैं। हम जो है यहाँ पे कुछ कॉजेस को डिस्क्राइब करते हैं। कोई भी बीमारी जो लीवर को डैमेज कर सकती है, लीवर को खराब कर सकती है, वो सिरोसिस का रूप ले सकती है, उसी बीमारी और उनके कॉजेस क्या क्या हैं वो हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट है, जैसे मैंने पहले बताया था स्टार्टिंग में, क्रॉनिक अल्कोहल अब्यूज। अगर आप जो है बहुत ज्यादा अल्कोहल लेते हैं और बहुत दिनों से ले रहे हैं तो डेफिनेटली आपको सिरोसिस ऑफ लीवर हो सकती है। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस बी, सी और डी। उसके बाद है नल अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, इसके कारण भी हो सकती है। हेमाटोक्रोमेटोसिस हो सकता है, जिसका मतलब है कि आयरन आपके शरीर में बढ़ रहा है, आयरन की मात्रा। नेक्स्ट है सिस्टिक फाइब्रोसिस। उसके बाद है विल्सन डिजीज। विल्सन डिजीज का मतलब होता है कॉपर आपके लीवर में एक्युमुलेट हो रहा है बहुत ज्यादा। उसके बाद होता है बिलियरी एटरेशिया, जिसे पुअरली फॉर्म्ड बाइल डक्ट्स कहते हैं। उसके बाद होता है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशियंसी के कारण भी हो सकता है। नेक्स्ट होता है गैलेक्टोसीमिया और ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज, ये एक तरह की इनहेरिटेड डिसऑर्डर ऑफ शुगर मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। उसके बाद होता है एलागीलिया सिंड्रोम, जिसको जेनेटिक डाइजेस्टिव डिसऑर्डर भी कहते हैं। उसके बाद होता है ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस, जिसे लीवर डिजीज कॉज बाई योर बॉडीज इम्यून सिस्टम, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस के कारण भी हो सकता है। नेक्स्ट आता है प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस। उसके बाद होता है प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस। उसके बाद होता है इन्फेक्शन सच एज सिफिलिस और ब्रुसेलोसिस, अगर है तो भी आपको सिरोसिस ऑफ लीवर हो सकता है। उसके बाद आता है कुछ मेडिसिंस, जैसे मेथोट्रेक्सेट और आइसोनियाजिड, अगर आप लेते हैं तो इसके कारण भी आपको सिरोसिस ऑफ लीवर हो सकते हैं, उसके मेडिसिन के साइड इफेक्ट के कारण। चलिए अब हम जानेंगे इसके स्टेजेस क्या क्या है। तो इसके मुख्य दो स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट होता है कंपेंसेटेड सिरोसिस, सेकंड होता है डीकंपेंसेटेड सिरोसिस। कंपेंसेटेड सिरोसिस का मतलब होता है यू आर एसिम्प्टोमेटिक, आपने सिम्टम्स अभी डेवलप नहीं किए हैं, और डीकंपेंसेटेड सिरोसिस मीन सिरोसिस हैज वर्सन, आपका कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है।
चलिए अब हम जानेंगे इसके डायग्नोसिस और टेस्ट के बारे में। तो डायग्नोसिस फर्स्ट जो है फिजिकल एग्जामिनेशन होती है, डॉक्टर आपको देखेंगे सर से पांव तक आपके कंडीशन को, अगर कोई एडिमा है, जॉन्डिस है, एनीमिया डेवलप कर रही है, पेट में दर्द है, पेट में सूजन है, हाथ पैर में सूजन है, तो ये सब चीजें जो है फिजिकल डायग्नोसिस में होती है फर्स्ट। उसके बाद सेकंड आता है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में क्या होता है, एल्बुमिन, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स देखते हैं, आपके लिवर एंजाइम्स बढ़े हुए हैं, बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है, व्हाइट ब्लड सेल्स बढ़े हैं, क्रिएटिनिन लेवल आपका बढ़ रहा है, सोडियम अल्फा फीटोप्रोटीन भी अल्टर कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी और सी भी चेक करते हैं ब्लड टेस्ट में। नेक्स्ट आते हैं सीटी स्कैन, एमआरआई और इंडोस्कोपी। इंडोस्कोपी में भी दो तरह की इंडोस्कोपी की जाती है, एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियोपैनक्रियाटोग्राफी और होता है अपर एंडोस्कोपी। उसके बाद होता है, चलिए जानते हैं इसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है। तो रिस्क फैक्टर्स फर्स्ट जो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है वो है यूजिंग अल्कोहल फॉर मेनी इयर्स, दारू बदनाम करती है। क्या होता है बदनामी से, सिरोसिस ऑफ लीवर होता है। सेकंड वायरल हेपेटाइटिस एक रिस्क फैक्टर है। उसके बाद अगर डायबिटीज है आपको तो भी एक रिस्क आप बना रहता है, ओबेसिटी मोटापा भी सिरोसिस ऑफ लीवर के कारण है रिस्क फैक्टर्स है। इंजेक्ट ड्रग्स यूजिंग शेयर नीडल्स, अगर आप जो है किसी और के नीडल से आपको इंजेक्ट किया गया है तो भी आपको सिरोसिस लीवर हो सकती है, हिस्ट्री ऑफ लीवर डिजीज है तो। और उसके बाद होता है अनप्रोटेक्टेड सेक्स, अगर आपने किया है तो भी एक रिस्क बना रहता है सिरोसिस ऑफ लीवर का। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट हम जानेंगे कि इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं। तो कॉम्प्लिकेशंस जैसे पोर्टल हाइपरटेंशन, ईडिमा और एसाइटिस हो सकती है, स्प्लीन बढ़ सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, मैल न्यूट्रिशन होती है, हेपेटिक इनकेफेलोपैथी होती है, जॉन्डिस हो सकता है, बोन डिजीज कई और किसी किसी पेशेंट्स में बोन फ्रैक्चर भी हो सकते हैं, इंक्रीज रिस्क ऑफ लीवर कैंसर भी हो सकता है और एक्यूट ऑन क्रोनिक सिरोसिस भी होता है। तो ये रहे सारे इसके कॉम्प्लिकेशंस जो हो सकते हैं। नेक्स्ट जो, तो इन वन लाइन ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, हम इसको देख सकते हैं, हम इसके होने वाले जो कॉजेस हैं उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, पर एग्जैक्टली सिरोसिस ऑफ लीवर को ट्रीट नहीं किया जा सकता क्योंकि लीवर ऑलरेडी फाइब्रोस्ट हो चुका है, स्क्लेरोस हो चुका है, एक कंडीशन पे ऐसी जगह पे पहुंच चुका है जो कि वो दोबारा रीजनरेट नहीं कर सकता, खुद को रिपेयर नहीं कर सकता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम जानेंगे कि इसको हम मैनेज कैसे कर सकते हैं। आप अगर शराब लेते हैं तो शराब छोड़ दीजिए, हेपेटाइटिस अगर आपको है तो हेपेटाइटिस की ट्रीटमेंट कीजिए। उसके बाद होता है मेडिसिन जो लीवर खराब कर रही है, ऐसे मेडिसिन का आप उपयोग ना करें। उसके बाद होती है ईट वेल बैलेंस्ड डाइट और लो फैट डाइट आपको लेना है। अच्छा, ट्रीटमेंट ऑफ द कॉजेज ऑफ सिरोसिस आर एज फॉलोस। अब हम मुख्य इसके जो कॉजेज हैं उसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट अल्कोहल रिलेटेड लीवर डिजीज है तो उसको ट्रीट करना पड़ेगा सेपरेटली। हेपेटाइटिस बी और सी है तो उसका ट्रीटमेंट अलग करना पड़ेगा। नॉन अल्कोहलिक रिलेटेड फैटी लीवर डिजीज है तो उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अच्छा, इनहेरिटेड लीवर डिजीज है तो उसका अलग ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस है तो उसका अलग ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। डिजीज दैट डैमेज और ब्लॉक बाइल डक्ट्स इन द लीवर, किसी भी कारण से बाइल डक्ट अगर ब्लॉक होती है तो उसका ट्रीटमेंट अलग करना पड़ेगा। और मेडिसिन जो कि सिरोसिस ऑफ लीवर को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं बढ़ने में, वैसे मेडिसिन को आप न लें, ये आपके डॉक्टर ही आपको बेटर बता पाएंगे। तो ये तो रहा एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट। अब हम जानेंगे क्या इसका होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट पॉसिबल है। तो जी हाँ, पॉसिबल है, कुछ हद तक पॉसिबल है। लेकिन हाँ, जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि लीवर अगर डीजेनरेट हो गया है, सिरोसिस हो गई, फाइब्रोसिस हो गया है, तो वो दोबारा रीजेनरेट नहीं कर सकती है। हम इसको कुछ हद तक मैनेज जरूर कर सकते हैं अपनी दवाइयों से। अगर अर्ली स्टेज में जो भी कॉजेस हैं, जैसे अल्कोहल अगर आप लेना छोड़ देते हैं, हेपेटाइटिस है, वो अगर आप ठीक कर लेते हैं, तो हाँ डेफिनेटली आप इस बीमारी से भी मुक्ति पा सकते हैं। तो होम्योपैथिक मेडिसिन जैसा मैं बता रहा था, होम्योपैथिक मेडिसिन कुछ इसमें कारगर हैं, मैं नाम ले रहा हूं उनका, मैं बता रहा हूं आपको। तो फर्स्ट जो मेडिसिन आती है वो है फॉस्फोरस, उसके बाद है एसिटिक एसिड, चेलिडोनियम, लाइकोपोडियम, मायरिका, नक्सफोमिका, कार्बोवेज, एकोनाइट, कोलोसिन और एपिका। ये सारी मेडिसिन ऐसे कंडीशंस में बहुत कारगर हैं, पर इन मेडिसिन का उपयोग आप किसी होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह के मुताबिक ही करें, वो आपको बेहतर बता पाएंगे कैसे इनको उपयोग करना है। अगर आप ट्रीटमेंट चाहते हैं तो आप मुझसे जरूर कंसल्ट कर सकते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट हम जानते हैं कि इसके प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं, क्या इस डिजीज को प्रिवेंट किया जा सकता है। तो कुछ हद तक प्रिवेंट किया जा सकता है,
जैसे अगर आप शराब ले रहे हैं, दारू ले रहे हैं, तो बिल्कुल भी आप बंद कर दीजिए। अल्कोहल किसी भी मात्रा में नहीं लेना है। हेल्दी खाना खाना है, डाइट बैलेंस होनी चाहिए आपकी, वेट मॉडरेट रहना चाहिए, और अगर आपको हेपेटाइटिस है तो हेपेटाइटिस की आप ट्रीटमेंट जरूर करवाइए। तो फ्रेंड्स, ये रहा आज का वीडियो। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो काफी हद तो फ्रेंड्स ये रहा आज का वीडियो जो दारू शराब से होने वाले खतरनाक बीमारी जैसे सिरोसिस ऑफ लिवर के बारे में आज हमने जाना, बहुत कुछ जाना है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप इसका ट्रीटमेंट चाहते हैं, कुछ और आपके मन में क्वेरी है, कुछ जानना चाहते हैं, तो आप मुझको जरूर ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है dr.amardeeplive@yahoo.com। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नमस्कार।